स्वरा और रागिनी दो बहनों के जीवन पर आधारित सीरियल स्वरागिनी तो आपको जरूर याद ही होगा दोस्तों। वही सीरियल में रागिनी का किरदार तो आपको जरूर याद ही होगा, जिसमें अपने माता पिता को मिलाने के दौरान लक्ष्य को अपना दिल दे देती हैं, लेकिन बदलते हालातों के साथ साथ वो लक्ष्य को भूल स्वरा के पति संस्कार से प्यार करने लग जाती हैं, जिसके चलते ना तो उन्हें पहला प्यार मिलता है और ना ही आखिरी प्यार को वो हासिल कर पाती हैं। इसी दमदार किरदार को निभाया था अभिनेत्री तेजस्विनी प्रकाश ने पर्दे पर, जिन्होंने अपने इस किरदार को पर्दे पर उतार कर इस कदर पेश किया कि दर्शक आज भी इन्हें रागिनी के किरदार के रूप में ही जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि जिस तरह से तेजस्विनी प्रकाश को सीरियल में अपना पहला और आखिरी प्यार नहीं मिल पाया, ठीक उसी तरह से रियल लाइफ में यानी असल जिंदगी में भी ये अपने पहले और आखिरी प्यार को पा नहीं सकी हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको तेजस्विनी प्रकाश के पहले और उनके आखिरी प्यार से रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी इस बात से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक तो बने रहिएगा, साथ ही साथ तेजस्विनी प्रकाश के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्वरागिनी सीरियल में रागिनी की मुख्य भूमिका निभाकर घर घर में फेमस होने वाली अदाकारा तेजस्विनी प्रकाश टीवी इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में अपना नाम शुमार करवाती हैं, जिन्होंने बेहद ही कम समय में ही अपने किरदारों के जरिए दर्शकों से खूब ज्यादा तारीफ हासिल की है और साथ ही उनका खूब फुल ऑन एंटरटेनमेंट किया है और साथ ही अपने एक्टिंग की बदौलत हर एक दर्शक को अपना दीवाना भी कर दिया। लेकिन अगर बात करें कि हर किसी के दिलों को जीत लेने वाली एक्ट्रेस तेजस्विनी प्रकाश की निजी जिंदगी का वो कौन कौन से शख्स थे जो बने इनके लाइफ के पहले और आखिरी प्यार, तो आपको बता दें कि खबरों की माने तो इनका पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता प्रियांक शर्मा हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, प्रियांक शर्मा ही हैं वो इकलौते शख्स जो तेजस्विनी प्रकाश के पहले प्यार बने। बता दें कि तेजस्विनी प्रकाश और प्रियांक शर्मा की पहली मुलाकात एक म्यूजिक वीडियो के दौरान हुई थी, जहां एक साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और ये दोस्ती कब जाकर प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन प्रियांक शर्मा ने तेजस्विनी प्रकाश को प्रपोज कर दिया, फिर क्या, इसे तेजस्विनी प्रकाश ने तो एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें डेट करने लगी। यही नहीं बल्कि लोगों ने तो ये तक बोलना भी शुरू कर दिया था कि तेजस्विनी प्रकाश और प्रियांक शर्मा जल्द ही एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। पर ये बात जब तेजस्विनी प्रकाश को मालूम हुई तो उन्होंने जल्द ही एक इंटरव्यू के दौरान दर्शकों को ये बात बताने की कोशिश की थी कि प्रियांक शर्मा सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, जिनके साथ मैं एक भाई और बहन का रिश्ता शेयर करती हूँ, जो कि हम दोनों अच्छे से जानते हैं। तो आप लोग ऐसी गलत बात मत फैलाइए, ऐसे रूमर्स मत फैलाइए जिससे कि हम दोनों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएं। बस यही बात कहकर तेजस्विनी प्रकाश ने इस बात को अफवाह बता दिया और फिर से एक बार फिर उनका नाम एक अभिनेता के साथ जोड़ा गया और वो अभिनेता भी कोई और नहीं बल्कि कुछ रंग प्यार के ऐसे भी फेम एक्टर शाहिर शेख हैं। लेकिन तेजस्वी ने इस खबर को भी महज अफवाह ही बताया और इस बात को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो दोस्तों, इससे तो हम ये कह सकते हैं ना कि तेजस्विनी प्रकाश का पहला और आखिरी प्यार अधूरा रह गया। वेल दोस्तों, आपको तेजस्विनी प्रकाश के इस पहले प्यार और आखिरी प्यार के बारे में जानकर कैसा लगा और आपका क्या कुछ रिएक्शन है उनके बारे में जानकर, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे और दिलचस्प वीडियोस और ऐसे ही दिलचस्प खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।